तो केदारनाथ मंदिर के बाहर घंटों एक क्यूआर कोड लगा रहा, जिस पर लिखा था यहाँ क्यूआर कोड से दान कीजिए। और जब तीर्थ पुरोहितों का ध्यान इस तरफ गया तब पता चला कि ये तो श्रद्धालुओं से ठगी का एक नया तरीका था। केदारनाथ धाम में ठगों ने शिव भक्तों से ठगी करने का बिल्कुल नायाब तरीका इजाद किया है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए डिजिटल जुगाड़ ढूंढा गया। फिर क्या था, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने के लिए क्यूआर लगा दिए गए। ठगी के इस नए तरीके पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। ये क्यूआर कोड घंटों दोनों मंदिरों के बाहर लगे हैं। न जाने कितने श्रद्धालु इस ठगी का शिकार भी हुए होंगे, किसी को पता नहीं। सच्चाई खुलने के बाद मंदिर समिति ने पहले तो अपने स्तर पर मामले की जांच की, बाद में केदारनाथ पुलिस चौकी और बद्रीनाथ थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई। शादियों के वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और इन दिनों वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में एक और वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है, देखिए। मंडप के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तेज बारिश हो रही है, बावजूद इसके दूल्हा दुल्हन साथ फेरे ले रहे हैं, वो भी छतरी के साथ। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की हैं, जहां दूल्हा बैंड बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचा था, लेकिन जब फेरों का मुहूर्त आया तो झमाझम बारिश होने लगी। ऐसे में दूल्हे ने एक हाथ में छाता लिया और दूसरे में दुल्हन का हाथ थमा, जोरदार पानी गिरता रहा लेकिन शादी नहीं रुकी। तो मैच के दौरान अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलने के लिए मैदान में पहुंचते हैं, लोग स्टैंड में खड़े होकर जश्न भी मनाते हैं, लेकिन चिली में कुछ ऐसा और इसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। चिली की राजधानी सेंटियागो में फुटबॉल मैच के दौरान लोग इतने उत्साहित हो गए कि वो मैदान पर फायर स्टिक फेंकने लगे। एक के बाद एक फायर स्टिक ग्राउंड में गिरने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। जब लोग नहीं माने तो खिलाड़ियों के साथ साथ ग्राउंड स्टाफ भी जान बचाने के लिए भागने लगा। इतना ही नहीं, कुछ लोग स्टैंड में खड़े होकर भी फायर स्टिक जला रहे थे। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो कुछ लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। एलन मस्क की कंपनी से स्पेसएक्स पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। ऐसे में कंजर्वेशन ग्रुप्स ने रॉकेट लॉन्च की मंजूरी देने वाले FAA के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। अमेरिका के कंजर्वेशन ग्रुप्स ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि FAA ने बिना किसी एनवायरमेंटल स्टडी के दक्षिण टेक्सास में एक वन्य जीप राष्ट्रीय सुरंग के पास एलन मस्क के स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्च को मंजूरी दी थी। बता दें कि 20 अप्रैल 2023 यानी 11 दिन पहले एलन मस्क का एक ड्रीम प्रोजेक्ट अधर में ही लटक गया। हुआ कुछ यूं था कि कंपनी ने स्टारशिप रॉकेट पहली बार लॉन्च किया था, लेकिन लॉन्चिंग के 4 मिनट के बाद ही आसमान में रॉकेट विस्फोट के साथ फट गया। फिलीपींस के मनीला एयरपोर्ट पर बिजली गायब होने से 40 घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे हजारों लोगों की यात्रा प्रभावित हुई और उनको घंटों तक हवाई अड्डे पर रुकना पड़ गया। हजारों लोगों की भीड़, गर्मी से परेशान लोग, ये मंजर फिलीपींस के मनीला एयरपोर्ट का है। दरअसल यहां अचानक बिजली चली गई और कई घंटे तक इंतजार के बाद भी नहीं लौटी। ऐसे में हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर 40 घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिसकी खबर मिलते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। करीब 9 घंटे बाद बिजली बहाल हुई। मलीना इलेक्ट्रॉनिक कंपनी और हवाई अड्डे के संचालक बिजली कटौती के कारणों की जांच कर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस ने पप्पी सागर हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या के विरोध में पप्पी यादव के परिजनों ने रामनगर कोतवाली के बाहर जमकर बवाल किया। पुलिस के साथ झड़प की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं, जहां पप्पी सागर की हत्या के विरोध में उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि रामनगर पुलिस पप्पी हत्याकांड का खुलासा कर रही है, तभी कोतवाली के बाहर भीड़ जमा हो गई। भीड़ और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पप्पी सागर हत्याकांड का खुलासा करते हुए सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और वारदात में शामिल गाड़ी भी बरामद की है। तो
बिहार के सिवान में बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान लूटने की कोशिश की। आपको बताएं कि बदमाशों ने लूट में नाकाम होने पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कि एक महिला जख्मी हो गई है। लेस चेहरे पर मास्क लगाए दो बदमाश सिवान के तरवाना थाना इलाके की ज्वेलरी शॉप में घुसे। बदमाशों ने दुकानदार पर पिस्टल तान दी और अलमारी की चाबी मांगने लगे। इस बीच दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और हथियार लहराते हुए बाइक पर फरार हो गए। बदमाशों की गोली से वहां मौजूद एक महिला घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इन दिनों भारत में आईपीएल चल रहा है और सट्टेबाज लगातार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में कुछ सट्टेबाजों का पुलिस ने अलग ही इंतजाम किया। देखिए, रतलाम पुलिस ने सोमवार को 30 जुआरियों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया। खास बात यह रही कि इतनी बड़ी संख्या में पकड़े गए जुआरियों को कोर्ट तक ले जाने के लिए पुलिस वाहन भी छोटा पड़ गया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को पैदल जुलूस निकालकर कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान जुआरियों के समर्थक भी बाइक लेकर पीछे पीछे चलते रहे। पुलिस ने सभी जुआरियों को प्रताप नगर से पकड़ा था। इस दौरान 2,57,000 रुपए नगद और 31 मोबाइल जब्त किए गए। तो राजस्थान के झुंझुनू में चोरों ने न केवल 6.5 मिनट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, और कैसे इस वारदात को कुछ मिनटों में अंजाम दिया, चोरी किया सोना और नकदी उड़ाकर वहां से भाग निकले। देखिए जरा इस रिपोर्ट को। सीसीटीवी की ये तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू जिले की हैं, जहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। पिलानी कस्बे के वार्ड नंबर 16 में बदमाशों ने चंद मिनटों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे दो चोर गाड़ी से आते हैं, कुछ ही सेकंड में घर का ताला तोड़ते हैं और महज 6.5 मिनट में सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। अपने कार्यकर्ता से मारपीट पर गुस्साए करनी सेना के लोगों ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। सीसीटीवी की ये तस्वीरें आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा की है, जहां करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। देखिए कैसे मुंह पर कपड़ा बांधे करनी सेना के कार्यकर्ता उत्पात मचा रहे हैं। आरोप है कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने करनी सेना के कार्यकर्ता से मारपीट की, जिसे गुस्साए करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर जमकर बवाल किया, वहां का कंप्यूटर तोड़ दिया और वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने टोल कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। दक्षिण दिल्ली से खबर, जहां पर बरसात के बाद सड़क धंसने से करीब 10 फीट का गड्ढा हो गया है और वहां से गुजर रही एक कार उसमें भी गिर गई। फिर क्या हुआ, देखिए 30 सेकंड की इस अगली रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में कुछ ही घंटों की बारिश ने सिविक इमरजेंसियों की पोल खोल दी। रविवार को बारिश के बाद दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके साकेत मॉल के सामने सड़क का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद यहां करीब 25 फीट लंबा और 10 फीट गहरा हिस्सा बन गया। बताया जा रहा है कि मॉल के पास से गुजर रही एक कार सड़क पर बने इस गहरे गड्ढे में गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में सवार लोगों को निकाला और मॉल के सामने भारी जाम लग गया। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सड़क के टूटे हिस्से पर बैरिकेडिंग कर दी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में महिलाओं के ग्रुप लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर रहा है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आए दिन सड़क हादसों में लोगों की हो रही मौतों को रोकने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों को और सख्त कर दिया है। वहीं कई समाज सेवी संस्थाएं भी लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर रही हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सुचेता सेवा समिति और व्यापार मंडल की तरफ से ऐसा ही एक अभियान चलाया गया। ताजपुर में संस्था की महिलाओं ने बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों को रोककर उन्हें गुलाब का फूल दिया, माला पहनाई और लोगों से सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर बाइक चलाने की अपील की। राजस्थान के रणथंभौर से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने बीमार बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया, उसका इलाज किया। बाघिन को कई दिन से पेट में दर्द की शिकायत हो रही थी। कोटा के मुद्रका हिल्स टाइगर रिजर्व में डॉक्टरों की टीम ने बीमार बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर इलाज किया। बाघिन को एनिमा लगाकर उसके मलाशय से
दो सूखे मल के टुकड़े निकाले गए। बाघिन की मॉनिटरिंग टीम को पेट की बीमारी की आशंका थी, जिसके बाद रिजर्व प्रशासन ने बाघिन का स्वास्थ्य परीक्षण कराया था। रणथंबोर से मुंद्रिका हिल्स टाइगर रिजर्व पहुंची सीनियर वेटनरी डॉक्टर्स की टीम ने बाघिन को नया कॉलर लगाया और उसका वजन किया। फिलहाल वन विभाग की टीम बाघिन की निगरानी कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माणाधीन मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। 30 सेकंड में देखिए ये पूरी खबर। अयोध्या में भगवान श्री राम का नया और भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया है। तस्वीरों में भूतल पर स्तंभ और दीवारों से बने मंदिर के आकार साफ दिखाई दे रहा है। राम मंदिर में लगने वाले पत्थर में हंस की आकृति उकेरी गई है, जो मंदिर को और भव्यता दे रही है। राम मंदिर की छत को लेकर काम हो रहा है। सिंह द्वार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि मंदिर के गर्भगृह और मंदिर का निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका है। कर्नाटक चुनावों के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र आज जारी करेंगे और कार्यक्रम में कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कर्नाटक चुनावों में बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद अब कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। कर्नाटक चुनावों के घमासान को देखते हुए कांग्रेस इस बार बीजेपी से भी अच्छे वादे करने की कोशिश करेगी। खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता और NRC लागू करने का वादा किया है। अच्छे समाज को बढ़ने के लिए सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और संविधान की भी जो निर्माता रहे उनकी ये इच्छा थी। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर वहां सियासत भी चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। कमलनाथ लगातार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। ऐसी ही एक सभा में कमलनाथ ने हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि वो हिंदू हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये समझ ले। दरअसल कमलनाथ युवाओं के बीच बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात बिगड़ रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं है लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। फ्रांस में पेंशन बिल को लेकर विरोध थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। लोग सड़कों पर आ गए हैं, राष्ट्रपति जो है लेकिन इमैनुअल मैक्रों पीछे हटने को राजी नहीं। इस बीच मई डे जो होता है, मई डे के मौके पर प्रदर्शन और उग्र होता नजर आया। सड़क पर जलती कार, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। तस्वीरें फ्रांस के लियोन शहर की हैं, जहां पेंशन बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन मई दिवस के मौके पर यह प्रदर्शन और तेज हो गया। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, फिर कारों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने साइकिल डॉकिंग स्टेशन को आग लगा दी। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए।